तो हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस के वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की। वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग क्या है एमएस एक्सेस डेटाबेस में, हम आपके साथ इस क्लासेस में जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं वीवीए एक्चुअली क्यों किया जाता है। सबसे पहले देखिए, एक्सेस के अंदर में सिक्कल भी है, इनबिल्ड आपके सामने यहाँ पे मैक्रोज भी है, फिर भी हम यहाँ पे अपने हिसाब की प्रोसेस को करने के लिए यूज करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग की। वीवीए प्रोग्रामिंग में समझिए 70% जो है फॉर्म पे यूज किया जाता है, बाकी 20% में हम रूल्स में यूज करके बाकी जगहों पे कॉल करते हैं। अच्छा, तो कहाँ से वीवीए प्रोग्रामिंग यूज और एक मिनट, करते हैं? रिकॉर्डिंग नहीं दिया क्या सर? दे दिया सर। तो कहां से वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, इसके लिए हमें आपको डेवलपर टैब की जरूरत पड़ती है। लेकिन डेवलपर टैब एक्सेस में जरूरत पड़ती है, ऐसे एक्सेल में। एक्सेस में डेवलपर टैब की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कस्टमाइज जिनमें जाओगे तो यहाँ डेवलपर टैब नहीं दिखेगा। यहाँ आपको क्रिएट करना होता है फॉर्म। जैसे कि मैं डिजाइन फॉर्म में गया और यहाँ आपके फॉर्म की साइज को सेट करते हैं, जैसे एक्सेल में यूजर फॉर्म होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सेस में फॉर्म होता है। हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया और फॉर्म बनाने के साथ साथ हमने यहाँ पे मान लीजिए कि टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैंने डाला एमआरपी, एमआरपी, ठीक है। और फिर हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इंक्लूड किया, एक फॉर्म यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं और इसका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया, हमने क्वांटिटी। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ अमाउंट कैलकुलेट करना, ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करना। तो देखिए दो चीजें होती है। सबसे पहले ये होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है कब एग्जीक्यूट हो, उसके लिए आपको इवेंट को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इवेंट को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने की यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट होगा ना, अमाउंट। हाँ, अब क्या करना है मुझे, मुझे अल्ट के साथ F11 प्रेस करना है। प्रेस करते हैं, आपको एक खुल के आएगा, इसको बोला जाता है VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। अब इंसर्ट में जाके मॉड्यूल्स में हम कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सब कर दिया और RR यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, अमाउंट नाम से मैंने बना दिया, अमाउंट सी के नाम से, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और मैंने यहाँ पे अभी क्या है, मेरा फॉर्म सेव नहीं है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्म नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा अभी फॉर्म सेव नहीं हुआ है। तो यहां मुझे अपने फॉर्म को सेव करना है, फॉर्म वन के नाम से, ठीक है। अब यहां पे, यहां पे लिखना है हमें फॉर्म्स डॉट मेन, फॉर्म वन, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, अच्छा एक मिनट रुकिए। राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, इसको सिलेक्ट किया और इवेंट में आफ्टर अपडेट आफ्टर अपडेट, ओके। हाँ कोड बिल्डर, ये आ गया। आ हाँ गया सर यहाँ पे फॉर्म वन। तो हाँ यहाँ भी आप जो है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट और यहाँ पे अमाउंट सी के नाम से बनाया एक मैक्रो। तो मैक्रो बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे FORM फॉर्म अंडरस्कोर फॉर्म वन डॉट डॉट लाल आ गया। यहाँ पे आता है टेक्स्ट जीरो, टेक्स्ट जीरो हमारा ए है। तो यहाँ पे टेक्स्ट जीरो नहीं, यहाँ पे डालना होगा टेक्स फोर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू
form underscore form one dot tax zero dot value multiply by form underscore form one dot tax two dot value. एक माइक्रो हमने यहां पे बनाया हुआ, ठीक है? अब इस माइक्रो को हमें कॉल करना है, कब? जब टेक्स टू हमारा क्या हो, अपडेट. अब यहां पे आफ्टर अपडेट टेक्स टू के जगह पे मैं यहां पे टेक्स जीरो को सिलेक्ट करता हूं, और इसमें भी मेरा जो अमाउंट सी वाला माइक्रो इसको कॉल कर लेता हूं. अब देखिए क्या होगा, मैं इस फॉर्म को क्लोज करता हूं सेव करके मॉड्यूल वन के नाम से. यहाँ पे एक मॉड्यूल सेव हो गया क्योंकि माइक्रोज है इसलिए. अब जैसे कि यहाँ पे एमआरपी 50 किया और क्वांटिटी 30 किया, आ गया 1500, समझे? हेलो, हाँ सर समझे सर. तो जो वीवी प्रोग्रामिंग है वो क्या होता है, इस तरह से हम यूज करते हैं. तो अब यहां हमने क्या हुआ कि एक मॉड्यूल्स के अंदर में हमने क्या क्रिएट किया, एक माइक्रो क्रिएट किया, और उस माइक्रो को हमने अपने अंदर जो कोड डालना है उस कोड को डाला, फिर फॉर्म के अंदर या बाकी और भी जगहों पे उस माइक्रो को जस्ट मुझे क्या करना है, कॉल करना है. समझे? हाँ, खाली वो उधर का नाम लिखना है ये. अब ये जो प्रोग्रामिंग हमने मॉड्यूल्स पे किया है, इस प्रोग्रामिंग को हम यहाँ भी कर सकते हैं. ये क्या है, अभी तो मेरी प्रोग्रामिंग जस्ट एक लाइन की है, इसलिए चलो हम यहाँ दोनों जगह पे कॉपी पेस्ट कर देंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है काफी लंबी होती है, 10-20-50 लाइनों की, तो दोनों में करना मुश्किल होता है. अब दोनों में क्यों करना है, देखिए जो सिचुएशन की डिमांड होती है कि एक ही माइक्रो को दो जगह से रन करना. जैसे कि मैंने यहाँ लगाया हुआ है कि अगर मैं एमआरपी को चेंज करता हूँ तो भी मेरा कैलकुलेशन हो, या क्वांटिटी को चेंज करता हूँ फिर भी मेरा कैलकुलेशन हो. ठीक है? हाँ ठीक है सर. तो जो कैलकुलेशन करने वाला माइक्रोज है दो सिचुएशन में रन होना चाहिए, आफ्टर अपडेट ऑफ एमआरपी, आफ्टर अपडेट ऑफ योर क्वांटिटी, और जो वैल्यू है कहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अमाउंट में. इसीलिए हमने कोडिंग में यहाँ डाला हुआ है कि टैक्स फोर इक्वल टू टैक्स वन टैक्स जीरो मल्टीप्लाई बाय टैक्स ट्वेल्व. अब टैक्स है, आप अपना नाम सब नाम भी इसको चेंज कर सकते हैं. क्लियर है? क्लियर. तो इसलिए यहाँ पे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं. तो आपको फॉर्म के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन करना हो, डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नॉर्मली यहाँ भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. क्लियर है? और यहाँ से आपको अपना इवेंट सिलेक्ट करना होता है कि ये जो मेरा माइक्रो है वो माइक्रो कब रन होगा. ठीक है? ठीक है. मेरा आफ्टर अपडेट से ही करना पड़ेगा ना सर? जी, आफ्टर अपडेट से सिलेक्शन तो टाइप करने के बाद चेंज करना था, आफ्टर अपडेट करेंगे ना. अच्छा अच्छा. के अलावा और भी है, गो फोकस्ड, गो डबल क्लिक, लॉट फोकस, माउस ऑफ, माउस डाउन, की ऑफ, की डाउन, एंटर. समझे? हाँ समझे. फॉर एग्जांपल इसी में मैंने यहाँ पे नेम रख दिया. देखिए हमने क्या कर दिया, नेम. अब इसमें जो है डेटा में आते हैं, तो डेटा में यहाँ पे कंट्रोल सोर्स है, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर में, यानी डिफॉल्ट वैल्यू, माफ कीजिएगा, कंट्रोल सोर्स में डिफॉल्ट वैल्यू में गया और डिफॉल्ट वैल्यू में लिख दिया एंटर में. ठीक है, आया? अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे एंटर नेम आएगा. अब मुझे इसमें नाम डालने के लिए पहले जो डाला हुआ है उसको डिलीट करना होगा, फिर नेम टाइप करना होगा. क्या बराबर है? तो इसमें एक चीज हम करते हैं, इसमें राइट क्लिक करके डिजाइन में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ हम इवेंट पे आते हैं, इवेंट में ऑन एंटर, और यहाँ पे हम कोड बिल्डर पे जाते हैं, और यहां हमें कुछ नहीं करना है, कोड लिख देना है
मी भी दे सकते हैं, मी मतलब एक्टिव फॉर्म होता है, टेक्स्ट सिक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, ठीक है सर, इसको सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए। अब मैं इसको ओपन करता हूं, जैसे इस पर क्लिक करूंगा हट गया, समझे? हाँ समझा समझा। अब पूजा लिख दूंगा, सही है, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा पूजा गायब हो जाएगा। ओके ओके सर। इसमें और भी कंडीशन वगैरह लगाया जा सकता है कि अगर एंटर नेम के जगह कुछ और हो तो ना एग्जिट करे, तो ये सारी चीजें कोडिंग की जाए। तो आपको समझ में आया कि वीवीए प्रोग्रामिंग कहाँ पे और कैसे यूज होता है? हाँ समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब देखिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या सीखना होगा, पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्ट सीखना होगा, ऑब्जेक्ट से पहले आपको अपना वेरिएबल सीखना होगा। अच्छा वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल की क्लासेस हम देंगे आपको अगली क्लास में, आपको फिलहाल थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। किस तरह की प्रैक्टिस करनी है? अभी आपने देखा कि मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया ना, तो आपको कुछ फॉर्म बनाने हैं और उस फॉर्म के अंदर कुछ कोडिंग करने हैं, जो मैंने अभी बताया डॉट वैल्यू लगाया किया ना सर, फॉर्म्स विदिन फॉर्म्स वन, जो टेक्स्ट होगा उसका नाम और डॉट वैल्यू, इस तरह से मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे कम से कम 5 कैलकुलेटेड कैलकुलेशन वाली एक फॉर्म बना के भेजिए, जिसमें कैलकुलेशन आप वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से करें। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर।